हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये प्लांट है एलोकेसिया अमेजोनिका, इसे एलिफेंट ईयर प्लांट भी कहते हैं, इसे एलिफेंट मस्क प्लांट भी कहते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पौधा है, बहुत ही डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल प्लांट है। जो इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो सबसे पहले हम इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं कि ये प्लांट साउथ अफ्रीका के ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाने वाला ये पौधा है, और इसकी पत्तियां हार्ट के शेप की एरोहेड की तरह होती हैं, जो बहुत ही खूबसूरत चमकदार डार्क ग्रीन कलर की होती है। इसमें वाइट वेंस होती है और हल्की हल्की श्रिंक होती है। तो ये देखिए, ये इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स में बल्ब हैं ये सारे। तो ये बल्ब, इसका बल्ब आता है। तो ये प्लांट काफ़ी पुराना हो गया है, तो इस वजह से इसके बल्ब बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा बल्ब भी हैं। तो ये प्लांट मेरा 3 साल एबव है, 3+ का है। तो अभी सर्दियों में ये पौधा पूरा ख़राब हो गया था। ये सर्दी में ये बिल्कुल भी अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन का पौधा है, रेन फॉरेस्ट में ये पाया जाने वाला पौधा है। तो ये थोड़ा सा ह्यूमिडिटी से चाहिए, बहुत ह्यूमिडिटी और थोड़ा सा साथ में गर्म मौसम भी चाहिए इसको अच्छे से ग्रो करने के लिए। आजकल का मौसम जो ये सितंबर शुरू हो चुका है, बरसात में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो ये जब बरसात आया है तब जाके इसने बढ़ना शुरू किया। इसमें सिर्फ बल्ब बचे थे, सारी पत्तियां गिर गई थी सर्दी में, इतना ज़्यादा इसको कोहरा लग गया था। तो क्योंकि ये ओपन में रखा हुआ था, तो इसे जो है शेड में रखना पड़ता है सर्दी में, नहीं तो ये इसकी पत्तियां सारी ख़त्म हो जाती हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है। वैसे तो कहते हैं कि लो मेंटेनेंस है, बट मुझे नहीं लगता है कि ये लो मेंटेनेंस है, बहुत ही केयर करना पड़ता है। इसकी पत्तियाँ बहुत ही टाइम लेती हैं, एक पत्ती निकलने में महीना निकल जाता है, 15-20 दिन में एक पत्ती निकलती है। तो हम इसे चाहेंगे कि हमारी लीव्स जो है वो बची रहे, क्योंकि इसकी खूबसूरती इसकी पत्तियों में ही है। इसकी पत्तियां देखिए कितनी खूबसूरत कटीलीदार हैं। तो इस ये इतनी खूबसूरत लगती हैं पत्तियां इसकी कि आपको लगेगा कि इसे ज़रूर से इसे अपने घर में लगा लें। तो ये एलोकेसिया की एक वेराइटी है, एलोकेसिया एक की फैमिली से ये बिलोंग करता है, एलिफेंट ईयर प्लांट की फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये प्लांट एक ह्यूमिड नेचर में रहने वाला पौधा है। तो जब आप इसे लाएं अपने घर, तो इसे ज़रूर से इस बात का ध्यान रखें कि इसकी सॉइल कैसे बनाएं और इसे शेड में रखें, क्योंकि ये धूप में इसके पत्ते ख़राब हो जाएंगे। ये टोटली इंडोर प्लांट है। ये देखिए, यहाँ पर इसके बल्ब में से ये सब निकल रहे हैं। ये काफ़ी कुछ इसमें जो है प्लांट नए नए पर कई बल्ब हैं एक साथ, सब इसमें धीरे धीरे काफ़ी ग्रो कर गया है। तो ये पौधा, इसमें कई सारे गमले बन सकते हैं, तो इसे मुझे रिपोर्ट करना है। इसे पहले ही रिपोर्ट करना था, लेकिन सर्दियों में ये काफ़ी ख़राब हो गया था। तो अब ये अच्छे से ग्रो कर गया है, अब इसे अलग कर देंगे तो ये फिर जिस भी गमले में लगेगा तो उसमें इसके, क्योंकि ये इसके बल्ब बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, वो जब पुराना हो जाता है पौधा तो ये अच्छे से सरवाइव करता है। जब हम नर्सरी से लाएं तो इसे कोशिश करें कि हमारा प्लांट ख़राब ना हो, क्योंकि इसमें बल्ब होते हैं, बल्ब को गलने नहीं देना है, इस बात को ध्यान रखना है, पानी कम डालना है ताकि बल्ब गलने ना पाए। क्योंकि अगर बल्ब गल जाता है तो फिर प्लांट ख़त्म हो जाएगा, और अगर बल्ब सेफ रह गया तो फिर वह उसमें से फिर नया प्लांट निकलने लगता है। तो मैंने अभी मेरा प्लांट का, मैं ये कोशिश करती हूँ कि अगर ये प्लांट अगर गर्मी में या सर्दी में ख़राब हो जाए लेकिन बल्ब सेफ रहे,
तो फिर उसमें से नए नए पत्तियाँ निकलने लगती हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, जब इसकी सॉइल बनाए तो सॉइल ऐसी रहे कि वेल ड्रेनेज हो और पानी सारा निकल जाए, लेकिन पानी इसे बराबर देते रहना है क्योंकि ये ह्यूमिड नेचर का प्लांट है, ह्यूमिडिटी इसे पसंद है और गर्मी भी पसंद है। तो इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी खूबसूरत लगती हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है, शेड में रखना है। और फर्टिलाइज़र इसे प्रॉपर, ये एसेटिक नेचर का पौधा है, देखिए इसकी नई पत्ती निकल रही, किस तरह से निकल रही है, रोल होके निकल रही है और बहुत टाइम लेती है इसे एक पत्ती निकलने में। तो इसको जो है ये बात का ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र, एसेटिक नेचर का है पौधा तो इसे अच्छे से फर्टिलाइज़र देना चाहिए तो अच्छे से ग्रो करता है। अगर बल्ब आपका एक बार अच्छे से ग्रो कर गया है, बड़ा हो गया है, पुराना हो गया है, तो फिर ये प्लांट सालों साल चलता रहेगा, ख़राब नहीं होगा। क्योंकि मेरा 3 साल से अबव का हो चुका है पौधा और अब इसमें मैंने देखा कि इसमें कई सारे गमले बन सकते हैं, इसको 3-4 पौधे इसको अगर बनाएंगे तो बन जाएंगे। और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि एलिफेंट ईयर प्लांट के बल्ब, ये देखिए ये भी एक मैं एक वैरायटी है, तो इसका भी मैंने इसको सेफ रखा, इसका बल्ब बच गया तो फिर ये इसमें नई नई पत्तियां निकल आई। तो हमको ये कोशिश करना है कि हमारा बल्ब सेफ रहे, ख़राब ना होने पाए, शेड में रखें, सर्दी से बचाना है क्योंकि सर्दी में ये इसको कोहरा लग जाएगा तो सारे पत्ते गिर जाएंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर इसको बहुत गिरा हुआ टेम्परेचर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये पौधा सारे पत्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिससे आपको ध्यान रखना है। और इसका प्रोपगेशन जो है डिवाइड करके होता है, इसके बल्ब नीचे अंदर रूट्स में बल्ब बढ़ते रहते हैं और इनको अलग करके इसे कई सारे पौधे बना सकते हैं। तो इसकी वीडियो मैं बना के दिखा दूँगी जब इसका रिपोर्ट करना है मुझे, इस गमले को अलग करना है पौधे को, तो मैं इसको दिखाऊंगी कि हम इसको कैसे अलग करेंगे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बल्ब होते हैं, ढेर सारे बल्ब होते हैं, उसमें बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो जब इसकी सॉइल बनाएं तो सॉइल में थोड़ा सा सैंड की क्वांटिटी भी रखें, ह्यूमिडिटी इसको चाहिए तो थोड़ा सा जो है कोकोपीट ना ही डालें, क्योंकि बल्ब होते हैं, बल्ब गल जाते हैं अगर ज़्यादा मिट्टी में ज़्यादा गीलापन होता है, तो सिर्फ सैंड डाल के ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जितने भी बल्ब वाले प्लांट होते हैं वो अगर कोकोपीट में मिला के सॉइल रहती है तो अक्सर वो उसमें रूट रॉट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसका जो सॉइल मिक्स है उसमें 60% गार्डन सॉइल, 20% सैंड और 20% कंपोस्ट मिला के बनाएं तो बहुत अच्छा प्लांट के लिए मिक्सचर तैयार होगा। ये भी ईयर एलिफेंट ईयर प्लांट की एक वैरायटी है, इसमें भी बल्ब है, तो इसे बल्ब वाले पौधे जो है थोड़ा सा केयरिंग होते हैं क्योंकि इनके बल्ब गलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है, तो ये एलोकेसिया अमेजोनिका पॉली प्लांट है, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी इस प्लांट के बारे में। ये इसे शेड में रखना है, इस बात को ध्यान रखना है कि, और ये रेनी सीज़न में अच्छे से ग्रो करता है, स्प्रिंग सीज़न में अच्छे से ग्रो करता है। स्प्रिंग सीज़न में इसे थोड़ा सा प्रॉपर अगर खाद वगैरह दे दें तो पौधा अच्छे से बढ़ेगा। इसे कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसे कोई ख़ास फर्टिलाइज़र ही दिया जाए, अगर इसे होममेड फर्टिलाइज़र भी दिया जाए तो भी अच्छे से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, एलिफेंट एलोकेसिया एलिफेंट ईयर प्लांट के बारे में। तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है, इंडोर प्लांट है। इसे अपने वरांडे में या फिर बालकनी में भी इसे रख सकते हैं, आउटडोर में भी रखें तो छाए में रखें जहाँ इसको धूप ना लगे, तो पौधा सालों साल चलेगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है पौधा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नए
पौधे के बारे में आपसे बात करूंगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।